बस ये बात दिल में रख लो किसान भाइयों और मजदूर भाइयों और मेरे दलित भाइयों, कोई किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने नारा दिया है बहुत सोच समझ के, अब के बार किसान सरकार। भाई वोट किसी और को क्यों दो और भिखारी बन के दरखास्त लेके क्यों घूमो उसके पीछे? हम खुद बन जाएंगे आमदार, हम खुद बन जाएंगे खासदार, क्यों नहीं बनाएंगे? क्या ताकत नहीं है हम में? नहीं है? नहीं सुनने आ रहा मुझे, हम में वो ताकत है? अगर ताकत है तो हम खुद बन जाएंगे, क्यों दूसरों को जिताओ और उनके पास कासा लेके फिरो? बस ये चाबी है, इस एक बात को जब हम समझे सारी बातें सामने आ जाएंगी। मैं एक ही मंत्र देता हूं, इस देश में जब तक हम अलग अलग रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बटे रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे किसान आत्महत्या करते ही रहेंगे। मेरा विनती आपसे एक ही है, जब आप इकट्ठे हो जाओ तो देखो कैसा आप 6000 आ गया, उसके बाद भागते भागते अपने गलियों में आ जाएगा। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, किसान के एकता ही एकजुट होना ही इसका मंत्र है। तो कब तक, कहां तक हम एकजुट हो पाते हैं, इसमें हमारा नतीजा मिलता है, इसका नतीजा यहीं से मिलेगा। मैं आपसे एक ही बात, सरकार हमारी तरफ क्यों नहीं पलट के देखते 75 साल के बाद? मतलब क्या है, हमको इजी ले रहे हैं भाई, किसान बेचारा कहां जाएगा, या तुमको देगा या मुझे देगा, या भाजपा को देगा या कांग्रेस को देगा, या रीजनल पार्टी एक दो है तो, या उनको देगा तो इनको देगा, कहां जाएगा? या वोट नहीं डालेंगे क्या? ये उनका सोच है, तो इसलिए हमारे बातों को कोई दिल पे नहीं लेता।